कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। आज मैं आपके साथ कॉलेज फेयरवेल पार्टी मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप सब लोगों को पसंद आएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहाँ सबसे पहले अपने लिप्स को हाइड्रेट करूँगी। ये ब्लू है शीन भी है। इसे मैं पूरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करूंगी। ये मैबेलिन का फिट मी फाउंडेशन है। इसमें मेरा शेड है 125। इसे मैं अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके अब मैं मैबेलिन का एज रिवाइंड कंसीलर यूज़ करूँगी अपने हाईएस्ट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए। इसमें मेरा शेड है लाइट। मैं इसे अंडर द आईज और मैं अपने पूरे फेस को सेम कॉम्पैक्ट से
सेट कर लूँगी एक ब्रश की हेल्प से। गाइज ये ब्रश मैंने अमेजोन से परचेज किए हैं, ये जेनरिक ब्रांड के ब्रशेज हैं, ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छे ब्रशेज हैं। अब मैं आईब्रो पेंसिल की हेल्प से अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। इसमें मेरा ये मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल है, इसमें मेरा शेड है डार्क ब्राउन। मैं सबसे पहले स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रोज को कॉम कर लूँगी एंड देन अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी। आईब्रोज को हमेशा बीच से फिल करना स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्टिंग से नहीं। अब मैं अपने बेस मेकअप को सेटिंग स्प्रे की हेल्प से सेट कर लूँगी। ये मार्स का सेटिंग स्प्रे है और मैं ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से अंदर अपनी स्किन में पुश कर लूँगी, जिससे कि मेरा बेस मेकअप अच्छे से सेट हो जाए। अब हम अपनी आईज पे चलते हैं। यहाँ मैं सबसे पहले स्विस ब्यूटी का जेल काजल लूँगी एज अ आई शेडो बेस। ये ग्रीन कलर का काजल है, इसे मैं अपनी अपर लिट पे लैशेस के क्लोज अप्लाई करूँगी। क्रीज के पास तक नहीं जाना है और ज़्यादा नीट एंड क्लीन होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं एक फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब हम सेम काजल को अपनी दूसरी आईलिड पे अप्लाई कर लेंगे। अब ये मैंने फैशन ब्यूटी का पैलेट लिया है, आई शेडो पैलेट लिया है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था। अब इससे ग्रीन शेड पिक करके अपने बेस के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। अब मैं सेम पैलेट से ये ब्लश वाला शेड लेके इसे अपनी क्रीज लाइन में अप्लाई करूँगी। हम इसे आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ ब्लेंड करेंगे। अब मैं सेम शेड को पिक करके अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी, जिससे अपर एंड लोअर आईज का मेकअप बैलेंस रहे।
मैं सेम पैलेट से ये डार्क रेडिश और पिंकिश कलर लेके अपनी आउटर वी पे प्लेस करूँगी, जिससे एक शेडो क्रिएट हो और मेरी क्रीज को हल्की सी डेप्थ मिल जाए। और सेम शेड को नीचे लोअर लैशेस पे भी अप्लाई कर लेंगे। अब एक क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं सबको अच्छे से मर्ज कर लूँगी, जिससे कि कोई हार्श एजेस या लाइंस ना रहे। आप देख पा रहे हैं, अब मैं हिलेरी रोडा का पैलेट लूँगी, इससे डार्क शेड, डार्क ग्रीन शेड पिक करूँगी और अपनी क्रीज लाइन पे अप्लाई करूंगी एक शेडो क्रिएट करने के लिए। अब मैं इसे अपनी क्रीज लाइन पे ब्लेंड कर लूंगी। गाइस, आईज मेकअप में सबसे ज्यादा ब्लेंडिंग की जरूरत होती है। आपका मेकअप, आईज मेकअप तभी अच्छा लगेगा जब आप अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आई मेकअप नीड मोर ब्लेंडिंग। सेम शेड को अपनी लोअर लैशेस पे भी अप्लाई करेंगे। जितने शेड्स हम अपने अपर लिड पे यूज करते हैं, उतने ही शेड्स को हमें अपनी लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करना होता है। तभी हमारा आई मेकअप अच्छे से बैलेंस दिखता है और देखने में भी अच्छा लगता है। मैं सेम पैलेट में से वही ग्रीन शेड पिक करके अपने लैशेस पे दोबारा अप्लाई करूंगी, क्योंकि हल्का सा मुझे फेड सा लग रहा था कलर, तो मैं वापस से उसी कलर को अपनी लिड पे अप्लाई कर लूंगी। अब सेम फ्लैट शेडर ब्रश की हेल्प से मैं वापस से इसको हल्का सा ब्लेंड कर लूँ, जिससे कि कोई हार्श एजेस ना रहे। अब मैं सेम स्विस ब्यूटी का ग्रीन काजल अपनी लोअर वाटर लाइन और अपर वाटर लाइन पे अप्लाई कर लूँ। मैं मैट ग्रीन कलर पिक करके इसे अपने काजल के ऊपर मर्ज करते हुए अप्लाई करूं। अब मैं लाइनर अप्लाई करूंगी। ये L18 का लिक्विड आईलाइनर है। Thank you.
ब्रश अप्लाई करेंगे। मैं सेम किस ब्यूटी का पैलेट लेके इसमें से ये ब्लश लेके, मैट ब्लश है ये, कुछ पीचेस काइंड ऑफ ब्लश है, मैं इसे अपने एप्पल ऑफ द चिक्स पे अप्लाई कर लूँगी और हल्का सा अपने नोज पे भी अप्लाई करूँगी। अब मैं यहाँ पे मियोन का स्वीट हार्ट हाइलाइटिंग पैलेट लेके फैन ब्रश की हेल्प से अपने हाईएस्ट पॉइंट को हाईलाइट करूँगी। मैं इसे अपनी चीक बोन पे, फॉरहेड पे, अप्लाई करूँगी। अब मैं अपने ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, चिन एरिया पे अप्लाई करूँगी। देखो कितने अच्छे से हाइलाइटिंग होती है इससे, ये बहुत अच्छा वाला हाइलाइटर है। अब मैं अपने इनर कॉर्नर को हाइलाइट करूंगी और अपने आईब्रो के नीचे भी हाइलाइटिंग करूंगी। गाइस, हाइलाइटर लगाने के बाद उसे भी ब्लेंड करना चाहिए जिससे कि हाइलाइटर अच्छे से दिखे। ये वेट एंड वाइल्ड का मेगा लेंथ मस्कारा है। ये लैशेस को अच्छे से कर्ल करता है और वॉल्यूम देता है। गाइस, मैंने ऑफ कैमरा अपनी फेक आई लैशेस अप्लाई कर ली हैं। अब मैं इन दोनों को मर्ज करते हुए मस्कारा अप्लाई करूंगी। अब मैं यहाँ लिपस्टिक अप्लाई करूंगी। ये मैबेलिन की लिपस्टिक है, कार्विंग कोरल। ये बहुत प्यारा शेड है। ये बुलेट लिपस्टिक है, ये ऑरेंजी रेड काइंड ऑफ शेड है। जब हम अपने आईज का मेकअप थोड़ा बोल्ड करते हैं तो अपने लिप्स को थोड़ा न्यूड ही रखना चाहिए जिससे कि मेकअप बैलेंस में। ये मार्स का सेटिंग स्प्रे है। गाइस, मैं अपनी हेयर स्टाइल के बाद आपसे मिलती हूँ। तो ये है मेरा फाइनल एंड फिनिश लुक। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा।